अच्छा सर, जैसे हम बातें कर रहे थे ना कि फिल्मों में आपने नेगेटिव किरदार निभाए और हीरो जो हैं वो अच्छा किरदार ही निभाते हैं, लेकिन आजकल ना माहौल बड़ा चेंज है। आजकल आप कह नहीं सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बिल्कुल सोबर लड़के पसंद हैं या बैड बॉय इमेज वाले। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है, आपको बिल्कुल ही हीरो टाइप इन द सेंस जो भी साफ सुथरे बिल्कुल जो भी फिल्मों में इमेज दिखाई जाती है हीरो की, वैसे लड़के पसंद हैं या बैड बॉय? तो आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी हेलो एवरीवन। हेलो। सो माय नेम इज कृति सिंह। हाय कृति। कृति, या आई एम फ्रॉम मुंबई। जी कृति, मेरी सोच ये है कि बंदा जो हो ना वो गुंडा टाइप हो, कि उसमें लड़की ना प्रोटेक्ट रहती है। लगा हां, खुश हो गए दोनों। बहुत अच्छे विचार है। आप कहां से हैं, क्या करती हैं कृति आप? जी सर, मैं हाउसवाइफ हूं। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तो आपके पति शरीफ है? नहीं, वो बॉक्सर है। वो बॉक्सर है और उसके साथ में मुझे उन्होंने सिखाया कि कैसे रहना चाहिए आज की डेट में। अच्छा जी। लड़के से ज्यादा लड़की को वायलेंट होके रहना चाहिए, उन्होंने मुझे ये सिखाया। ये लड़कियां बिगाड़ेगी सारा। ये नहीं चाहिए। प्यार से जो बात प्यार से खत्म हो सकती है। कितनी अच्छी आपने ड्रेस पहनी है, इतनी रेड लिपस्टिक लगाई है और मारपीट की बातें कर रही हो। आपके पति नहीं आए साथ में? जी नहीं। चेक करो कहाँ बॉक्सिंग खेल रहे हैं वो। वो क्यों नहीं आए साथ में फिर? एक्चुअली अभी ना वो ट्रेनर है, वो टाइकोंडो सिखाते हैं बच्चों को। डराई जा रही हर लाइन पे आप तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आई आप। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो सर, मेरा नाम चिन्मय प्रभु है। अच्छा, कहाँ से हैं चिन्मय आप? मैं मलाड में रहता हूँ, मुंबई। अच्छा जी। और आजकल जो है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज में वगैरह जो लड़कियाँ हैं उनको ऐसे ही लड़के पसंद है जो मारामारी करे, गुंडागर्दी करे, बात 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 पे झगड़ा करते है। आपका कहीं प्रोग्राम नहीं फिट हुआ होगा इसलिए बोल रहे हैं आप ना? नहीं नहीं। आपका नाम भी एक बड़ा अच्छा है ना। थैंक यू सर। धार्मिक नाम है आपका काफी, चिन्मय प्रभु जी। सो इनका एक ही मेरा पॉइंट है कि जो गुंडागर्दी करते हैं लोग अभी, वो या तो एंड अप करते इधर इन पॉलिटिक्स या फिर जेल में। पॉलिटिक्स लड़कियां आप सब सहमत हैं? जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, अगर आप सहमत है तो आप हाथ खड़ा कर सकती, नहीं सहमत है तो आप बैठे रहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से कि लड़कियां? बिल्कुल नहीं सहमत आपकी बात से चिन्मय। सर एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे हो जो काफी स्किलफुल है। और क्या मैं उधर आ सकता हूँ एक मिनट, एक स्किल दिखाने के लिए? अच्छा, स्किल भी दिखाना। जी आइए प्लीज, आइए। ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने लिए यहाँ पर इस शो। मैं समझ गया कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे पसंद कर लो। हाँ जी, तो ये क्या स्किल्स है सर, दिखाना? सो बेसिकली एक रूबिक्स क्यूब जो रहता है, क्यूब शेप रहता है, तो वैसे अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो रिसेंटली मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री किया फॉर सॉल्विंग 9 ऑफ दोस सिटिंग अंडर वाटर एक ब्रेथ में। अंडर वाटर वाओ, क्या बात है यार। अंडर वाटर एक बार दिखा सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी। पता है ना भाजी आपको, ये सारे रंग एक जैसे मिलाने होते हैं। कमाल है यार। अरे दिखाओ एक बार फिर मुझे। कपिल एक बार इसको उल्टा पुल्टा करके दिखा। सानू का दे, फिर तो शाम तक लगेगा। दे इसको। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। हाँ दिखाना मत। गुन्ना आदमी। अब करके दिखाओ। नहीं, एक और तरीका कपिल, रुक। एक और तरीका, इधर आ बे, कर इसको एकदम भाई, कर जल्दी। यार ये वैसे कैसे, आप मतलब कोई स्टडी होती है इसकी, क्या है हिसाब? इसके काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं कंपटीशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अच्छा जी। और मैं ऑल्सो मोज़ेक्स वगैरह बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ। तो आपके लिए आप जब ऐसे घुमाते हैं उसको, आप कलर देखते हैं? हाँ, एक एल्गोरिथम फॉलो होती है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके, आपके लिए मैं गिफ्ट लाया, क्या ला सकता हूँ? आई लव गिफ्ट्स। कहाँ है? सो स्वीट ब्रदर, थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्रदर। क्या आपने बनाया? सो स्वीट यार चिन्मय। पूरा का पूरा पिक्सल्स होते हैं। हाँ, कोई भी स्केचिंग नहीं है, सिर्फ स्केच पेन से पूरा। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम।
हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षता है। तो अभी जो ये लड़के ने कहा कि जो क्यूब उन्होंने किया, तो उससे लड़कियों को क्या फायदा है? रिलेशनशिप में तो मजा आना चाहिए ना लड़कियों को। शाबाश। ऐसे ही करते रहेगा तो लड़कियां तो बोर हो जाएंगी, उसको देखते ही बैठेंगी। हाँ, एक्चुअली तो आपको किस प्रकार का प्राणी चाहिए? गुंडे टाइप। गुंडे टाइप रहेगा तो थोड़ा थ्रिल रहेगा लाइफ में, झगड़ेगा फिर मारा मारी करेगा, तो मुझे तो ऐसे टाइप पसंद है जो मारा मारी करते हैं। तेरी तो ये तो बहुत अच्छा, आपने संदेश दिया समाज को, धन्यवाद। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम माँ पर गई हो या बाप पर गई हो? मैं मेरे दादी पे गई हूँ। दादी पे गई है जी। अच्छा, जो भी इनको कल को मिलेगा, जो भी इनका पति बनेगा, आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षता शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त वो कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब चश्मा लगाया हुआ ना सर पे जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने आपको रोक नहीं पाया, यहाँ पे कब से बैठा था सर। थैंक यू डियर। देखे देखे काफी इमोशनल भी हो रहा था। अच्छा जी। और मैं जो बात है, मैं सर हकीकत बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में लड़कियों को सिर्फ ऐसा लड़का चाहिए जो ज्यादा फोन पे टाइम दे सके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। क्या होता है कि 12, जैसे सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ मुंबई में, 2 साल से जॉब करता हूँ। अच्छा जी। तो ज्यादातर क्या है, हम लोग काम में बिजी रहते हैं 10-12 घंटे, अब हर वक्त तो फोन पे बात नहीं कर सकते ना सर जी। तो लड़कियों का मिस कॉल आता है, तो लाइक आप अगर टाइम नहीं दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। मतलब मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपकी कोई नहीं गर्लफ्रेंड? सर कैमरे पे क्या बोलूं? इसका मतलब है अभी सारी बातें कैमरे, अभी मैं क्या आपको कमरे में ले जाऊं? मतलब मैं सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ सर। सर मैं 2 साल से मुंबई में सिर्फ इसीलिए जॉब कर रहा हूँ कि एक दिन मैं आपसे मिल पाऊंगा सर। सो स्वीट। आई स्वेयर ऑन माय मदर सर। थैंक यू। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। लव यू। डोंट माइंड सर। शुक्रिया। इफ आई एम वेस्टिंग योर टाइम सर, बट नो बिल्कुल नहीं ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, मैं सच कह रहा हूँ। 2013 जून से लेके आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। 2013 जून जब सर ने धर्मपाजी के साथ एपिसोड किया था, और मेरे घर में तब टीवी नहीं था, कसम से कह रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी को फोन में शो देखाता था, मेरे फैमिली मतलब फैमिली में बहुत बुरे हालात थे उस वक्त, तो मेरी मम्मी हंसती नहीं थी, तो मैं फोन में शो दिखाता था उनको। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। रंजीत सर, नॉर्मली क्या है ना कि ये लोगों के, जैसे हमने काफी सारी बातें अभी खोल के रख दी हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं है, पर ना बहुत सारी महिलाओं का ऐसा मानना था कि यार हमने तो कभी उनको कभी पानी पूरी खाते हुए नहीं देखा, कभी उनकी ऐसी पेपर में फोटो नहीं आई। हम उनकी तमन्ना पूरी भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ उनका ये डर भी दूर करना चाहते हैं कि आप उनके साथ पानी पूरी खा सकते हैं। खा भी सकता हूँ, खिला भी सकता हूँ। अरे वाह, पानी पूरी का ठेला लेके आओ जरा। पानी पूरी वैसे ही मेरा फेवरेट है। गुड गुड। आ गए। तो जो पानी पूरी खाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कौन कौन है? आइए आप, आइए दोनों आ जाइए, आइए। रंजीत, पानी पूरी केवल महिलाओं आजो, के लिए। अरे इसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिसिटी। क्या करना क्या है? अब आपने पानी पूरी खिला देना उनको। अब क्या वो बना के देंगे आपको? कौन आएगा सबसे पहले खाने? हाँ, तो आपने ये समझना है कि रंजीत साहब पानी पूरी वाले हैं, तो आपने आके जो भी आप बोलती हैं लड़कियां नॉर्मली आपके जो पानीपुरी खाने आई हैं लड़कियां जी, आप आके जैसे पानीपुरी वाले को बोलते हैं, भैया जी पानीपुरी खिला दीजिए। अरे भैया क्यों कहती है बेबी? आप भी बेबी मत बोलिए, बहन जी बोलिए। अरे पानीपुरी खिला रहा हूँ, कोई कपड़े थोड़ी पिला रहा हूँ। क्यों बेबी, कैसा लगा? हाँ जी, कम ऑन बेबी, मुंह खोल। ये कटोरी रखता हूँ, इधर देखो ना प्यार से। आओ तुम भी आओ। तीखा या मीठा? मीठा। मेरी आंखों में देखो मिठास ही मिठास है, इसीलिए तो मीठा चाहिए। पानी तीखा है लेकिन आंखों में मिठास है। यस, लो डाली, मुंह खोलो। मेरे देखने वालों को बताओ कैसा लगा? ये आपकी शाख का जो बाल है अंदर जा रहा है। अच्छा है ना? अच्छा है। और एक्स्ट्रा मीठा हो गया आपके हाथ से। मैं तो बोला आपको, आप तो तीखा ही लेगी।
मीडियम मुझे लग रहा है मीडियम मीडियम इतना डर रही है वो तीखा शी इज गेटिंग स्केयर्ड और मीठा कोली आर यू स्केयरिंग वो डर रही है आई एम नॉट स्केयरिंग यू अरे बेबी मेरा प्यार जो अंदर से वो निकल रहा है अरे लाओ यार पाजी की रेडी हो ना कि गोलगप्पे तो एक ही दिन में पुलिस उठा के ले जाए लीजिए स्पेशली आपके लिए है थैंक यू एंजॉय लवली चल गुड अब बाकी है मेरा पैक कर दी घर में जाके अच्छा एक मेरे हाथ से पाजी लव यू खोल मुझे Thank you so much, Ranjit Saab. Thank you, bhaiya. Love.